हेलो माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं पूजा। उम्मीद करती हूं आप सब बढ़िया होंगे। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। तो आज मैं बनाने जा रही हूं आटे का हलवा। आटे का हलवा तो सभी बनाते हैं, लेकिन मेरी कुछ अलग सी रेसिपी है तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने ले लिया एक कटोरी आटा और एक कटोरी चीनी और साथ में थोड़ी सा ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पर मैंने कर लिया है घी गरम, एक पैन ले लिया मैंने, पैन में हो गया है घी गरम। अब हम ऐड कर देंगे एक कटोरी आटा। तो आटे को अच्छे से भून लेते हैं। तो सारे घी के साथ हम आटे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आटे का हलवा तो सभी बनाते हैं, लेकिन कई लोगों की शिकायत आती है कि आटा एकदम कट्ठा सा हो जाता है और खाने में कोई स्वाद नहीं आता है। तो इसीलिए आज मैं आपको बताती हूँ एकदम परफेक्ट जो इसका तरीका होता है बनाने का, वो मैं आपको बताऊँगी। तो पहले इसको हम अच्छे से मैश जैसे करते हैं ना आलूओं को, ऐसे ही हम आटे को भी मैश करते रहते हैं। साथ में हम इसको भूनेंगे भी और साथ ही साथ इसको मैश करेंगे ताकि इसमें लंग्स ना पड़े। तो आज मौसम बहुत ठंडा था और सर्दियों का मौसम है, तो जैसे कि आपको पता है कि आटा, जब हम आटे का जो हलवा होता है वो गर्म होता है, तो इसीलिए आजकल सर्दियां हैं तो आप बना सकते हैं और इसको खा सकते हैं ताकि सर्दी इतनी नहीं लगती। फिर आटे का जब हलवा खाते हैं ना तो गर्म होता है, वो बॉडी को गर्म कर देता है, इसीलिए आप भी बनाइए। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है गर्म पानी। एक कटोरी मैंने आटा लिया है तो तीन कटोरी मैंने यहाँ पर ले लिया है पानी। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है चीनी। तो चीनी को पकाना नहीं है, इसको ओनली मिक्स करना है हमको। तो यहाँ पे हम आटे को अच्छे से भून लेते हैं और साथ साथ बिल्कुल भी कच्चा ना रहे आटा, इसको भून लेंगे। अच्छी खुशबू सी, हल्की हल्की खुशबू आने लग गई है और हम इसको मैश करेंगे और अच्छे से इसको एकदम ब्राउन कलर कर देंगे इसको। तो हम चीनी को एक बार चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं पानी के साथ। आप ऐसे हलवा एक बार जरूर ट्राई करना, क्योंकि हम जब चीनी अलग से डालते हैं ना तो उसका स्वाद कुछ अलग रहता है, इसका स्वाद कुछ अलग है तो इसीलिए। और यहाँ पर देखो साथ ही साथ मैं आटे को भी भून रही हूँ। तो फिर फाइनली इसका कलर थोड़ी और चेंज हो गया है और हमें थोड़ी देर तक और इसको 2-3 मिनट तक और इसको भून लेंगे। थोड़ी और ब्राउन होने देंगे हम इसको। जैसे जैसे हम इसको भूनेंगे वैसे वैसे इसका कलर भी चेंज होता जाएगा। तो फाइनली आप देख सकते हैं पूरे तरीके से इसका कलर चेंज हो गया है और अच्छे से आटा भुन गया है, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। और अब ऐड कर देते हैं हम जो चीनी वाला पानी है, वो हम इसको इसमें डाल देते हैं। जैसे हम पानी डालेंगे वैसे इसको मिक्स करते रहना है ताकि इसमें लंग्स बिल्कुल ना पड़े। सारा पानी ऐड कर दिया है मैंने और अब हम इसको करछी की मदद से इसको मिक्स कर लेते हैं और साथ ही साथ हम इसको मैश भी करते रहेंगे ताकि एक स्मूथ हलवा तैयार हो सके। जो आटे का हलवा होता है ना उसमें लंग्स पड़ जाते हैं क्योंकि हम अच्छे से उसको मैश नहीं कर पाते हैं और उसको अच्छे से भूनते नहीं हैं, इसीलिए थोड़ी सा उसका टेस्ट भी बिगड़ जाता है। तो फाइनली दोस्तों बन गया है आटे का हलवा, एकदम स्मूथ बैटर बन के तैयार है। आप इसको बच्चों को खिलाएं, बच्चों के लिए तो बहुत ही हेल्दी है। आजकल जैसे बच्चों को सर्दियां लग जाती हैं और जुकाम है अगर बच्चों को, तो बच्चे बहुत शौक से खा लेते हैं। अगर आप इस तरीके से इसको बनाते हैं और बड़े हों या फिर छोटे हों सभी बहुत शौक से खाएंगे। आप सर्दियों में इसको बनाइए और इन्जॉय कीजिए अपनी पूरी फैमिली के साथ। तो फ्लेम को मैंने बंद कर लिया है, अब मैं यहाँ पे करनी हूँ थोड़ी सा गार्निश। आप चाहें तो, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप नारियल को स्किप कर सकते हैं और यहाँ पर मैं थोड़ी ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लूंगी। तो फाइनली दोस्तों देख सकते हैं आप गर्मा गर्म हलवा, एकदम स्मूथ हलवा बन के तैयार है। आप इसको इंजॉय कर सकते हैं सर्दियों के मौसम में। आजकल बहुत ठंडा है, जनवरी का महीना है, और आज जरूर बनाइए रेसिपी को और अपने फ्रेंड के साथ जरूर आप इसको शेयर करना। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई हो। रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, अच्छे से कमेंट कीजिए। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।